नमस्कार दोस्तों, आप स्टॉक इमेज को यूज करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक इमेज को यूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें स्टॉक इमेज का वाटरमार्क रह जाता है और वो वाटरमार्क आप रिमूव नहीं कर सकते। तो वैसे तो वाटरमार्क रिमूव करने के लिए प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप है, लेकिन उसमें जब आप वाटरमार्क को ब्लर करते हो तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक जेन्युइन ट्रिक जिससे आप किसी भी स्टॉक इमेज का वाटरमार्क बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ना कोई ब्लर करना होगा, ना एडिट करना होगा। आप डायरेक्ट उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी वाटरमार्क के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक विद वाई। दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूं। अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाकर ला सकता हूं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन का आपको पता टाइम पर चल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है क्रोम पर, और क्रोम पर आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है downloader.la। तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि आपको ये कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है, आप फर्स्ट पेज पर नहीं, आप सेकंड पेज पर आ जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप उसी साइट से इमेज को डाउनलोड कीजिए जिस साइट के बारे में यहां पर बताया गया है। तो ऊपर वाली साइट्स के बारे में साइन अप वगैरह करना पड़ता है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम डेमो के लिए PA इमेजेस का यूज करने वाले हैं। यहाँ से कोई स्टॉक इमेजेस हम लेंगे तो हम सर्च करते हैं PA इमेजेस। तो PA इमेजेस सर्च करने के बाद वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब चलिए हम कोई इमेज यहाँ से सर्च करते हैं, जैसे मैं योगा की कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अभी थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। तो हम चलिए ये वाली कर लेते हैं, कभी कभार घर वाले भी तो देख लेते हैं, ऐसी करनी चाहिए, हमारी वीडियो घर वाले भी देखते हैं। तो ये यहाँ पर इनका वाटरमार्क आ रहा है, ये PA इमेजेस वगैरह। तो हमें इस वाटरमार्क को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस से downloader.la पर आएंगे और PA इमेजेस पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये आपसे उस इमेज का URL मांगेगा, आप इसको यहाँ पर पेस्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको एक लिंक जनरेट करके दे देंगे। तो आप यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ डाउनलोड नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपका इमेज से वाटरमार्क देख लीजिए पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। पहले ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, मैं आपको दिखा दूँ कि पहले इस इमेज में ये वाटरमार्क था, लेकिन अब इस इमेज में कोई वाटरमार्क नहीं है। आप चलिए मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। इस लिंक को कॉपी कीजिए, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए आप, यहाँ से कॉपी कीजिए downloader.la में जाइए, ये रहा। अच्छा, ये इमेज आ गया है, इन पर देख लीजिए वाटरमार्क है और इस इमेज पर कोई वाटरमार्क नहीं है। तो अब आप इस इमेज को सेव इमेज एज करके आप क्या कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको माय इमेज देके ओके कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको
डेस्कटॉप पर दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आया है। ये इमेज थोड़ा लोड होने में टाइम ले रही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बीच का वीडियो, तो देखिए हमारी इमेज में कोई भी वाटरमार्क नहीं है। इस इमेज को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक इमेज का वाटरमार्क हटा सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि कैसे आप MOV फॉर्मेट को MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।